Question number 5. 6 men can paint a house in 4 days. How long it would take to paint the house if 3 men are employed? कहता है 6 आदमी एक घर को पेंट करते हैं 4 दिनों में. फुल स्टॉप के बाद एक नया शुरू होता है, सेकंड कंडीशन हमारी शुरू होती है, उसे कहते हैं हाउ लॉन्ग इट वुड टेक. कितना अरसा लगेगा, कितने दिन लगेंगे टू पेंट द हाउस इफ 3 मेन्स आर एम्प्लॉयड, अगर 3 आदमी एम्प्लॉय किए जाए. तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होगी, फुल स्टॉप से पहले वाली. फर्स्ट कंडीशन होगी हमारी, फर्स्ट सबसे पहले एम्प्लॉयर्स या नंबर ऑफ मैन. तो इसे एम्प्लॉयर्स लिख लें ताकि एक लफ्ज में एम्प्लॉयर्स कितने हैं हमारे पास, 6 मैन, 6 आदमी, 6. सेकंड कंडीशन है इसमें डेज की, तो नंबर ऑफ डेज कितने हैं, ये डेज कितने हैं, 4 डेज. नंबर ऑफ डेज या डेज कितने हैं, 4. अच्छा, अब फॉर अवर सेकंड कंडीशन में हमारे पास एम्प्लॉयर्स कितने कर दिए गए हैं, एम्प्लॉयर्स टर्न हो गए हैं 3 मैन. एम्प्लॉयर्स कितने कर दिए गए हैं, 3 मैन. और डेज कितने हैं, नंबर ऑफ डेज हमने फाइंड करने हैं, तो डेज कितने लगेंगे, आप अब की बार कितने नंबर ऑफ डेज में काम होगा वो है एक्स. अब हम बनाते हैं प्रोपोर्शनलिटी टेबल. प्रोपोर्शनलिटी टेबल का फर्स्ट कॉलम, क्योंकि एक्स वेरिएबल है इसलिए हम डेज से लेंगे, तो डेज और सेकंड कॉलम है एम्प्लॉयर्स. फर्स्ट डेज कितने हैं, 4 डेज, एंड एम्प्लॉयर्स कितने हैं फर्स्ट कंडीशन में, ये दिस लाइन, फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट रो में कॉलम की क्या आते हैं, फर्स्ट कंडीशन 4 डेज, और एम्प्लॉयर्स कितने हैं, 6. सेकंड रो में प्रोपोर्शनलिटी टेबल की क्या आएंगे, डेज. सेकंड कंडीशन डेज क्या है, एक्स, और एम्प्लॉयर्स क्या है. आप देखना है प्रोपोर्शनलिटी टेबल से प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इनवर्स प्रोपोर्शनल है. अगर एम्प्लॉयर्स कम कर दिए जाएं तो ज़्यादा दिन लगेंगे. अगर 4 आदमी एक काम, एक घर को पेंट, 6 आदमी एक घर को पेंट 4 दिनों में कर रहे हैं, तो आदमियों के नंबर 3 आदमी, वही जाहिर बात है डबल, 4 में अगर 6 4 में कर रहे हैं तो 3 8 में करेंगे, डबल हो जाएगा एज इट इज़. एक्स क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा. अगर 6 डिक्रीज कर जाए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स डिक्रीज कर जाएँ, आदमी 6 से 3 हो जाए एम्प्लॉयर जो है पेंट करना जिन्होंने, तो जाहिर बात है डेज ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा दिन लगेंगे काम करने में. तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन. और इसका सैम्पल किस तरह आएगा, एक्स की तरफ टेल और 4 की तरफ हेड, और एम्प्लॉयर्स का उल्टा, 6 to 3, 6 की तरफ टेल एंड 3 की तरफ हेड. देयरफॉर इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन. Therefore, the proportion is there is inverse proportion. There is inverse proportion. ये क्या है inverse proportion, and it is, और ये क्या होगी, it is, और ये है x, क्योंकि x से arrow head की tail है, start हो रहा है x over 4 head की तरफ, फिर equal का निशान हेड से, टेल से हेड की तरफ, क्या आएगा, 6 and 3. एक्स सेपरेट कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 6 4, यहाँ से इस तरफ चला जाएगा डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में, दूसरी साइड की 4/3. 6 4s are 24 and 24/3. 24/3 इज इक्वल टू 8, बिकॉज 3 8s are 24. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8, और ये क्या है, x क्या है, डेज है, तो इधर 7 क्या लिख देंगे, 8 days. x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 8 days, और नंबर ऑफ डेज, हो लॉन्ग
सवाल था जी हो लॉन्ग इट वुड टेक टू पेंट, इट वुड लिख लेंगे दे टेक 8 days, लिखेंगे एम्प्लॉयर्स टेक 8 days या दे टेक्स, दे टेक्स 8 days, 8 days, वो क्या लेंगे 8 दिन, दे टेक 8 days,